आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि नई खोज। अध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वामी जी, नमस्कार। जय सच्चिदानंद। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम अपने भाग्य की कितनी सराहना करें कि जिस व्यक्ति की हमें आवश्यकता थी, जिस दृष्टि की हमें आवश्यकता थी, हमने बहुत पूजा किया, पाठ किया, यंत्र किया, मंत्र किया, तंत्र किया, हमारी समस्या का समाधान न मिला, हमें कोई आनंद की अनुभूति नहीं हुई, लेकिन आज हमारे भाग्य की वजह से ऐसी शख्सियत के सामने आए हैं कि उनके मुखारविंद से निकला हुआ हर शब्द एक अनुभव वाणी है और हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहा है और उसके आप स्वयं साक्षी हो। आपका फीडबैक हमको प्राप्त मिल रहा है। स्वामी जी, मेरे पास में कुछ श्रोताओं के, दर्शकों के प्रश्न आए हैं। वो प्रश्न रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। वो प्रश्न उनकी तरफ से, उनकी भावना को मध्यगज उनके द्वारा बताए हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वामी जी, व्यक्ति क्या है कि आजकल बहुत ज़्यादा अहंकार करने लग गया है, लूज टेम्परामेंट हो गया है, किसी को एडजस्ट करना नहीं चाहता। एक परिवार में 5-7 सदस्य भी होते हैं तो वो एक दूसरे को सहन नहीं करता, बड़े को छोटे को, और ऐसा घर में वातावरण बन जाता है कि वहाँ पे कलह का वातावरण भी हो जाता है, लूज टेम्परामेंट हो जाता है, प्रेम नहीं रहता है सास में बहू के अंदर, और जो है वो भाइयों भाइयों के बीच के अंदर, मतलब घर के अंदर सुख समृद्धि आनंद होना चाहिए, जिसके लिए घर बना है वो स्वर्ग रूप होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। तो हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा बने उसके लिए श्रोतागण जो है आपके आध्यात्म विज्ञान और इसके आर्ट ऑफ विजन से कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, ताकि साहब का परिवार का पारिवारिक जीवन अच्छा बन सके। देखो, बात तो अच्छी है कि आज न व्यक्तिगत रूप से, न परिवार के रूप में, न जहां हम काम करते हैं वहां, हर व्यक्तियों के साथ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एडजस्ट नहीं हो सकती है, और एक दूसरे व्यक्तियों के प्रति उनके अंदर व्यू पॉइंट वाली सोच होती है, गलत सोच कि आप ऐसा करोगे, मैं ऐसा करूंगा तो आप ऐसा करोगे, मैं ऐसा करूंगा तो आप ऐसा करेंगे, ऐसी सोच बनाई हुई है हमारे दिमाग में। एक व्यक्ति की प्रकृति को पढ़ के वास्तव में बात एक ही है, एक व्यक्ति एक ही प्रकार के भूल एक बार करे या 10 बार करे या 100 बार करे, हम ये नहीं समझें कि ये व्यक्ति जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है बार बार, वो जान बूझ के कर रहा है। ऐसा आप मानोगे तभी आपके जीवन में टेंशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वो हर बार वही व्यवहार करेगा तो 100 बार जो किया है वो भी दिमाग में रहेगा और आपको हाइपर टेंशन हो जाएगा और आप व्यथित हो जाओगे, एक्साइट हो जाओगे, एबनॉर्मल हो जाओगे और फिर फ्रस्ट्रेट होके उनके ऊपर गुस्सा करोगे या तो उनके प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करोगे। ये हमारे खुद के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए? आप सिंपल बात समझो, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ ऐसा गलत या बुरा व्यवहार करता है, बार बार करता है, हमको ओपिनियन बनाने की क्या जरूरत है? क्या वो अपनी शक्ति गवा के, अपने खुद के अंदर गुस्सा जला के क्या हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं? तो पहले वो खुद का नुकसान करते हैं और बाद में हमारा नुकसान करने का प्रयास करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जो खुद व्यक्ति कमजोर है वो हमको नुकसान कैसे पहुंचाएगी? मगर हाँ, हमारे लिए उपकार ही है, क्योंकि वो
हमारे ही कर्मों का फल देने के लिए पहले अंदर अग्नि चलाती है और बाद में बाहर गुस्सा निकालती है। तो इसीलिए उनको संभाव से देखो, राग द्वेष से मत देखो, क्योंकि इतना जरूर ध्यान रखो, कोई भी व्यक्ति के पास न कुछ बोलने की, न कुछ सोचने की और न कुछ करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, और श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति किसी के पास नहीं है। कुदरती कानून के मुताबिक हमारे कर्मों के बस एक दूसरे के साथ व्यवहार होता है, और वो व्यवहार को व्यवहार के रूप में देखो। जो व्यवहार हो गया है वो पास हो गया है, तो पास के फॉर्म में ही देखो, प्रेजेंट के फॉर्म में मत देखो। पहले ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा ही करेगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। ये हमारी खुद की गलत सोच है, ये हमारी कमजोरी है, और इसीलिए जैसे वो व्यक्ति देखेंगे पुरानी बातें याद आएगी और बिना कुछ किए भी हमारे भीतर में भुगतान चालू हो जाएगा। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारा अज्ञान है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, ये आगे बढ़ने का, अपने आप को स्वस्थ रहने का, अपने मन को स्वस्थ रखने का और जीवन में प्रगति की ओर आगे बढ़ने का ये रास्ता नहीं है। तो शांत होवे, स्थिर होवे और समझने की कोशिश करें कि कोई भी व्यक्ति जब इस दुनिया में स्वतंत्र नहीं है, फिर भी हमारे साथ कोई गलत भाषा का प्रयोग करता है या गलत एक्शन करता है, तो समझ लेना कि ये उनकी शक्ति नहीं है, ये हमारे कर्मों का फल है, वो तो निमित्त है, और निमित्त को निमित्त के रूप में देखा जाए, निमित्त को पोस्टमैन के रूप में देखा जाए। जैसे पोस्टमैन पोस्ट की डिलीवरी करता है, इसमें कोई कई पोस्ट अच्छी होती है, कई पोस्ट बुरी होती है, मगर उसके लिए पोस्टमैन यानी डिलीवरी मैन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम इसको हर समय निर्दोष देखते हैं, न उनके प्रति राग करते हैं, न उनके प्रति द्वेष करते हैं। ऐसे हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी, हमारे समाज में भी, हमारे अलावा हमारे साथ जो माता पिता है, भाई बहन है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, समाज के लोग हैं, जो हमको मिलते हैं, दे ऑल आर पोस्टमैन फॉर अस। वो हमारे लिए पोस्टमैन हैं, वो हमारे कर्मों की डिलीवरी करते हैं। अगर हमारा पाप का उदय है तो वो दुख दे के चला जाएगा, अगर हमारा पुण्य का उदय है तो वो सुख दे के चला जाएगा, मगर देने वाला पोस्टमैन है। तो पोस्टमैन हर समय इनोसेंट ही होता है, इज अ डिलीवरी मैन, वो डिलीवरी करने का निमित्त है, साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। तो इसीलिए इसको इसी प्रकार से देखो, तभी आपके मन में संभाव रहेंगे, वैर नहीं रहेंगे, अंदर की शांति स्थिरता बनी रहेगी और आगे जाने का रास्ता मिलेगा। एक बार आपके जीवन में समाधान मिलेगा तो दो बार समाधान करने की शक्ति पैदा होगी, दो बार समाधान रहेगा तो चार बार समाधान करने की शक्ति प्राप्त होगी। ये कुदरत का कानून है, जितना आप ज्ञान का यूज करोगे ज्ञान में आगे बढ़ोगे, अज्ञान का यूज करोगे अज्ञान में आगे बढ़ोगे। आप समझे, ये सीधा साधा कुदरत का नियम है। जैसे जितने व्यक्तियों को आप गुनहगार देखोगे, आपकी खुद की दृष्टि गुनहगार बन जाएगी। जैसे जितने व्यक्तियों को आप निर्दोष देखेंगे, आपकी खुद की दृष्टि निर्दोष हो जाएगी। जैसे हम महान पुरुष की बात करें, चाहे वो राम है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो महावीर है, हर महान पुरुष ने अपने जीवन में हर व्यक्तियों को निर्दोष देखा, और इसीलिए उनकी दृष्टि भी क्या हो गई, निर्दोष हो गई। हम आज हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे सामने जो कुछ व्यक्ति आती है, उनको या तो राग या तो द्वेष के रूप में देखते हैं, मगर निर्दोष नहीं देखते हैं, तो हमारी खुद की दृष्टि भी क्या हो गई, दूषित हो गई। तो आइए हम अपनी दृष्टि को परिवर्तन करें और हर व्यक्तियों को कुदरत के कानून के रूप में देखें और निर्दोष देखें और खुद की दृष्टि निर्दोष बनाने की कोशिश करें। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरल भाषा, सरल रूप के अंदर बहुत बड़ी समस्या जो है हमारे रोजमर्रा के जीवन की, उसको हल करने का और पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने का आपने मानसूत्र दिया, आपके लिए धन्यवाद। स्वामी जी एक श्रोता ने मुझे प्रश्न भेजा है कि स्वामी जी ने, मैंने एपिसोड सुने
उसके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा, ये बात कहते हैं। लेकिन मेरे जीवन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता है, मैं इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता हूँ। और उसी ने ये प्रश्न पूछा कि मेरी डिसीजन पावर बहुत कमज़ोर है, जो जैसे घुमाता है वैसे घूम जाता हूँ और एक डिसीजन पे अडिग नहीं रहता हूँ, इसलिए मेरे काम में सफलता नहीं मिलती है। जिसने किसी ने राय दी वो फॉलो कर देता हूँ, उसी काम के लिए दूसरा आया, दूसरे ने राय की वैसा मान लेता हूँ, ढुलमुल होकर के, और मेरा काम सफलता की सीमा चरम सीमा तक नहीं पहुँचता। तो स्वामी जी से कृपा करके इसका जो है निर्णय हमें दिलाइए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी कैपिटल है और सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ये दुनिया के सनातन सत्य को समझ के। बिना सनातन सत्य समझे हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मगर डिप्रेशन एंड एलिवेशन होगा, और या तो हम सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे, मगर नॉर्मल नहीं बनेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दुनिया का सनातन सत्य क्या है वो पहले जानो, समझो और हर संजोग में अपनी दृष्टि से उसका उपयोग करेंगे, तभी अपने आप आत्मविश्वास आएगा। और बाहर की कोई व्यक्ति के ऊपर आप ब्लेम और क्लेम नहीं करेंगे, और खुद की सनातन शक्ति के ऊपर अपने आप विश्वास रहेगा, कुदरत के ऊपर आपको विश्वास रहेगा, और तभी सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। इसको कैसे जीवन में अपनाना है, कैसे समझना है, कैसे उपयोग करना है, कैसे अनुभव करना है, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। हमारा जो जीवन है बचपन से लेके लास्ट मोमेंट तक का हमारा जो जीवन है वो बहुत सारे कर्मों के भुगतान का एक स्वरूप है, और इस भुगतान के अंदर अच्छे संजोग भी आएंगे, बुरे संजोग भी आएंगे, अच्छे व्यक्ति भी आएंगे, बुरी व्यक्ति भी आएंगे, सुख देने वाले भी आएंगे, दुख देने वाले भी आएंगे, हेल्प करने वाले भी आएंगे, नुकसान करने वाले भी आएंगे, ऐसे बहुत सारे विकल्पों हमारे जीवन के अंदर कर्म बंधन के साथ पड़े हुए हैं और आएंगे। हमको अपना जीवन सेल्फ कॉन्फिडेंस से कैसे जीना है, तो दो बातें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहली बात है कि हम ये बात हर समय लक्ष्य में रखें कि मैं मन वचन काय से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं खुद ही अविनाशी हूँ, मैं खुद ही शाश्वत हूँ, मैं खुद ही चैतन्य गण हूँ, और सभी प्रकार के सुपर पावर मेरे अंदर एग्जिस्टेंस है और वो सर्वकाल के लिए है। पहली सोच ये बताओ। दूसरी सोच ये रखो कि जो मन वचन काया है, जो कुछ व्यवहार करता है, और ये पांच ज्ञानेंद्रिया है जो पूरी दुनिया की अवस्थाओं का हमको ज्ञान देती है, तो ये पांच इंद्रिया से जो दिखती हुई दुनिया और मन वचन काया से अनुभव में आते अपने कर्मों और कर्मों का फल, ये सब अवस्थाएं कुदरत की रचना है, ये हमारी रचना नहीं है। कोई व्यक्ति अपना संजोग खुद नहीं बनाता है, संजोग तो कुदरत बनाते हैं उसके कर्मों के भुगतान के बस, और वही कर्मों के भुगतान उसको करनी पड़ती है, उसमें किसी का चॉइस नहीं है। राम भी अपने जीवन में उनको वनवास जाना पड़ा, उनकी धर्मपत्नी को रावण उठा गए, न चाहते हुए भी रावण के साथ युद्ध करना पड़ा। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में पैदा हुए, पराए माता पिता के घर में रहना पड़ा। जब महाभारत की बात चल रही थी तब दुर्योधन ने उनकी नहीं सुनी, तो ऐसे बहुत सारे जीवन में उनके अंदर भी नेगेटिव संजोग आए थे। भगवान महावीर स्वामी 28 साल की उम्र में दीक्षा लेने चाहते थे, जब उसके माता पिता चले गए बाद, मगर बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया कि अभी तो माता पिता गए, इनका तो जख्म अभी ख़त्म नहीं हुआ और आप जाने की बात करते हो, रुक जाओ 2 साल के लिए। महावीर को भी रुकना पड़ा तीर्थंकर होने के नाते भी, और अपने जीवन में जब त्यागी जीवन की शुरुआत किया बहुत सारे उपसर्ग और संघर्ष आए, गोसालक ने भी उसके ऊपर बहुत सारे उपसर्ग किए, उनकी बात गोसालक ने नहीं मानी, भगवान महावीर के काल में भी
को सोए लगे। तो कहने का मतलब ये है, हर महान पुरुष के जीवन में संघर्ष तो आए थे, मगर उस संघर्ष के साथ उन्होंने समाधान किया। कैसे समाधान किया? कि हर अवस्था को डाइजेस्ट करना है। कैसे करना है? सनातन सत्य को जान के। हम किसी के ऊपर ब्लेम और क्लेम करके सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा सकते हैं। हाँ, अहंकार बढ़ा सकते हैं। मैं आपको गिरा के अपना अहंकार बढ़ा सकता हूँ कि मैं कितना बड़ा हूँ, आप समझे ना। अहंकार बढ़ाना अलग चीज़ है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना अलग चीज़ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस शुद्ध होता है, पवित्र होता है और उसका आधार खुद स्वयं होते हैं, और अहंकार का आधार बाह्य अवस्थाएँ होती है। जैसे मैं बहुत संपत्तिवान हूँ, मैं बहुत डिग्रीवान हूँ, मैं सत्तावान हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरी भाषा अच्छी है, आप समझे ना। इसको अहंकार के तौर पर लेकर अपने आप को बड़ा बना सकते हैं, मगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अहंकारिक कॉन्फिडेंस है। एक न एक दिन गिरेगा, क्योंकि आपका आधार ही टेम्पररी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाता है बढ़ाना है तो सबसे पहले आधार सनातन सत्य का बनाओ, जो कभी परिवर्तन नहीं होगा। और सनातन सत्य क्या है? मैं मन वचन काय से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, चेतन हूँ, अविनाशी हूँ, और सर्वशक्तियों को मैंने जो धारण किया है वो सब अविनाशी है। और बाकी जो प्रकृति है वो कर्मों की भुगतान का साधन है और वो उदय कर्म के अधीन है, और उनकी हवस हर अवस्था का निर्माण कुदरत करती है। और वो कोई भी व्यक्ति अगर इस शरीर को सुख या दुख देते हैं, वो भी तो कुदरती रचना है, वो भी तो कर्मों का फल है। और इसीलिए ऐसे प्राकृतिक अवस्थाओं में डीप में न जाना, और उसको ब्रॉड विजन से देखो कि यह कुदरती रचना है और मैं खुद परमात्मा हूँ। और कुदरती रचना जो है अवस्था के साथ अपने आप पास हो रही है, मेरा आयुष्य भी पास हो रहा है, मेरा जीवन भी पास हो रहा है, अवस्थाएं भी खत्म हो रही है, मगर मैं शाश्वत हूँ। ये प्रकृति की अवस्था है, ये प्रकृति के संजोग है, ये प्रकृति का भुगतान है। इसमें मेरे को अहम करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी भुगतान है, ये मैं भुगतान कर रहा हूँ। ये अच्छे संजोग भी मेरे हैं, ये बुरे संजोग भी मेरे हैं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने पिछले अवतार में कर्म किया था उसका ये फल है, और फल कुदरत देते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि आपकी एग्जाम कैसी थी, इसका क्या फल मिलना चाहिए, आपके कर्म कैसे थे, उसका क्या फल मिलना चाहिए, वो कुदरत जानती है। और अवस्था भी कुदरत बनाती है और निमित्त भी कुदरत बनाती है। तो उनको एक ब्रॉड विजन से देखा जाए तो हर अवस्थाओं को कुदरती रचना के रूप में देखने का प्रयास करो। और मैं चेतन अविनाशी ऐसा शुद्धात्मा हूँ वो समझने का कोशिश करो। अगर ये दो बात आपके जीवन में रहेगी, अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आपका आधार किसके ऊपर है? आत्मा के ऊपर है। आपका आधार किसके ऊपर है? अविनाशी के ऊपर है। आपका आधार किसके ऊपर है? जो सर्वशक्तिमान है। आपका आधार किसके ऊपर है? जो शाश्वत है। तो आपका आधार कभी डिगेगा नहीं, मगर जब आपका आधार टेम्पररी होगा तो कभी भी आप गिर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप सब यही सनातन सिद्ध को, सनातन सत्य को, कुदरत के कानून को, लॉ ऑफ नेचर को जानते रहो, समझते रहो, जीवन में इसका प्रयोग करते रहो, और अपने आत्मा के अंदर आत्मविश्वास बनाए रखो। हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर ये जो दो बातें हैं, सनातन सत्य की, आत्मा और कुदरतना की, वो आपको जीवन में विकास के लिए बहुत काम में आए, ऐसे आप में सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। डिसीजन पावर बढ़ाने और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपने आध्यात्म विज्ञान और नई दृष्टि, नई सोच के माध्यम बना करके जो आपने समाधान दिया उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। स्वामी जी, एक श्रोता ने मेरे को प्रश्न पूछा कि मैंने किसी के साथ में कोई बुरा व्यवहार किया, धोखा किया या जो कुछ भी किया, व्यवहार एक बार किया, उससे उस व्यक्ति ने मेरी ओपिनियन बना दी, उस व्यक्ति से मेरा काम पड़ता रहता है, लेकिन वह व्यक्ति हर बार मेरे को उसी ओपिनियन एंगल से देखता रहता है, जबकि मैंने उसके अंदर बहुत बड़ा सुधार किया है,
प्रायश्चित भी किया है, क्षमा याचना भी करता हूँ, लेकिन जो मेरी ओपिनियन जिस व्यक्ति ने बना ली है उसके अंदर वो कोई सुधार नहीं कर रहा है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहा है, कोई करेक्शन नहीं कर रहा है, और मेरा काम रोज पड़ता है, जैसे पति पत्नी भी हो, मान लो भाई भाई भी हो, या कोई भी साथ लॉन्ग टर्म साथ रहने वाले पार्टियां हो जो आई हुई है, तो किस तरीके से जो है वो ओपिनियन जो मेरी अच्छी बने उसके लिए थोड़ा आप और समाधान बतावें। मैं मेरी ओपिनियन उस पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति अच्छी बनाना चाहता हूँ, थोड़ा दिशा दर्शन दें। देखो, अभिप्राय जो होते हैं वही हमारे लिए बंधन है, अभिप्राय जो होते हैं वही हमारे लिए दिक्कत है, और अभिप्राय है वही हमारा जीवित मन हो जाता है, और इसीलिए वही मन हमको बार बार परेशान करता है। अभिप्राय का मतलब क्या होता है? रिलेटिव सत्य को स्वीकार कर लेना, रिलेटिव सत्य को ही सनातन सत्य मानना, रिलेटिव सत्य को ही शाश्वत सत्य मानना, और रिलेटिव जो सत्य है उसको ही हम व्यक्ति के रूप में जो संजोग मिले हैं तो उनको कर्ता मानना और दोषित मानना। तो ये हमारी कमजोरी है। रिलेटिव सत्य तो रिलेटिव सत्य है, हमको मानना नहीं है, क्योंकि हम सनातन सत्य है, और रिलेटिव सत्य खुद ही विनाशी है, जो आज है और कल नहीं है। जो संजोग आज है वो थोड़े समय के बाद नहीं है। एक व्यक्ति भले हमारे सामने बार बार गलतियां करती रहे, या तो हम खुद उनके साथ बार बार गलतियां करते रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि ये गलतियां हमारा लाइफ है। ये हमारा लाइफ का थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा है, इसको समग्र जीवन के साथ मत जोड़ो। जीवन का छोटा हिस्सा है और वो पास करना हमारे लिए आसान है, अगर आप वही संजोग को अगर ब्रॉड विजन से देखोगे। जैसे कोई ने कहा, कोई व्यक्ति ने कहा, तुम तो चोर हो, हालांकि हमने चोरी नहीं किया है, मगर वो ब्लेम कर रहा है। हम क्या सोचेंगे, ये व्यक्ति ने मेरे को चोर कहा, मैंने कभी चोरी किया नहीं है, उनके पास से कुछ लिया नहीं है, वो क्या समझते अपने अपने। तो ये शब्द को हमने अहंकार में ले गए और इसको हमने अपनी सोच से मल्टीप्लाई करके खुद ने ही भारी कर दिया। हालांकि वो हमारी सोच, वो हमारी मेथड, वो हमारी सिस्टम टोटल गलत है। ऐसे संजोग में हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उन्होंने चोर कहा कोई बात नहीं, उन्होंने बोल दिया एक समय के लिए। क्या जो व्यक्ति बोलने वाली है वो सर्टिफाइड है? नहीं है। तो उनका सर्टिफिकेट वैल्यू हम क्यों करें? इसीलिए अपने जीवन में सर्टिफिकेट की वैल्यू मत करो किसी का, और जो भी आए उसमें संभाव में रहो, उसमें ही हमारी महानता बनी हुई है। समय की मर्यादा के अधीन हम थोड़ी बातें आगे भी करेंगे। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता आपको नमन, कि आप हमारा दृष्टि दोष मिटा करके हमारे जो सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, हमारी जो राइट फेथ होनी चाहिए, हमारा जो सोच सकारात्मक होनी चाहिए, उसके बारे में इतने महान महान सूत्र दिए, और हम आपके बड़े आभारी हैं। और श्रोतागण दर्शकगण भाई और बहनों, आप इस हमारे जो अध्यात्म विज्ञान और नई दृष्टि नई सोच के माध्यम से साथ जुड़े रहिए, आपकी समस्या का हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ के आपका जीवन सुखी आनंदमय प्रेममय हो वैसा भी आपको लगेगा, क्योंकि ये हमारा सारा जो कार्यक्रम है प्रैक्टिकल है, ये जीवन बदलने का कार्यक्रम है, ये दृष्टि बदलने का कार्यक्रम है, ये सोच बदलने का कार्यक्रम है। और आपके किसी तरह के प्रश्न हो, वो प्रश्न आप हमें हमारे ईमेल sohn.tatr@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपके पास में मोबाइल नंबर है, उन मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं। सारे प्रश्न जो है वो स्वामी जी तक जाएंगे और उचित समय पर आप उसको समाधान मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोतागण दर्शकगण। स्वामी जी आप स्टूडियो पधारे और हमारे दृष्टि को बहुत सुंदर बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता आपको नमन। सच्चिदान आइए देखिए सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि नई खोज। अध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं